हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक पर बात करने वाले हैं जो कि एफएमजी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्टॉक की प्राइस लगभग 1100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। उस समय से लगातार वीडियो बना के हम आप लोग को बता रहा हूँ कि स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें जंप देखने को मिल सकता है इस स्टॉक की प्राइस में। और स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 2400 प्लस में हमें जाते हुए देखने को मिला था और वहां से ज़बरदस्त हमें करेक्शन देखने को मिला और फिर से स्टॉक हमें लगभग 2100 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिला और फिर से हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में ज़बरदस्त तरीके से हमें जंप देखने को मिला है और हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि वो स्टॉक है कौन सा। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों, हम आप लोग से बात कर रहे हैं हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की रिगार्डिंग। अगर मैं इसका आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक में लगभग 5% के हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें पिछले वन मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले वन मंथ में हमें इस स्टॉक में 10% से अबव का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें पिछले सिक्स मंथ का, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले सिक्स मंथ में हमें इस स्टॉक में लगभग 130% से अबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। स्टॉक हमें जैकपॉट की तरह रिटर्न दिया है दोस्तों और फ्यूचर में भी देगा। वहीं बात करें पिछले एक साल की, तो आप लोग देख सकते हो कि पिछले एक साल में हमें लगभग 400% से अबव का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करें यहाँ पे पिछले पाँच सालों का, तो आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक 2019 में लिस्टेड हुआ था और वहाँ से इसका मैक्सिमम डिग्री 4% हमें देखने को मिल रहा है और वहाँ से बात करें तो लगभग 460% से अबव का हमें रैली देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों। वहीं बात करें कि स्टॉक की प्राइस हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कितना और आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेगा, तो स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 3000 रुपये की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए दोस्तों। स्टॉक काफ़ी शानदार है, फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस हमें लगभग 3000 प्लस में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में कितना हमें डिलीवरी देखने को मिला है, वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो लगभग यहाँ पे 68% के आसपास हमें डिलीवरी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से हमें रैली देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें इसका 52 वीक लो एंड हाई का, तो आप लोग देख सकते हो कि स्टॉक ओनली 400 का अप्रोक्सीमेट ट्रेड कर रहा था लास्ट ईयर जब देश में लॉकडाउन की स्थिति हुई थी और वहां से स्टॉक हाल ही के दिनों में लगभग यहां पे 2600 रुपये के हाई बनाया था दोस्तों। वहीं बात करें फेस वैल्यू का, तो यहां पे हमें 1200 रुपये देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहां पे दिसंबर क्वार्टर में, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा डेटा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं मनी कंट्रोल की साइट पे, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा कि इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4600 प्लस में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सारा का सारा फिगर दोस्तों करोड़ों में है। वहीं बात करें यहाँ पे सेक्टर के पी रेशियो का, तो यहाँ पे लगभग हमें 70 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सेक्टर के पी रेशियो से इस स्टॉक का पी रेशियो काफ़ी हाई हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से हमें डिलीवरी देखने को मिला है लगभग 70% के आसपास में आज के दिन हमें डिलीवरी देखने को मिला है, मुझे लगता है कि स्टॉक के प्राइस आने वाले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3000 प्लस में हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखाएगा दोस्तों। वहीं बात करेंगे कि यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में कितना हमें सेल्स देखने को मिला था, वो भी डेटा एक बार देखने को कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी शानदार तरीके से हमें सेल्स देखने को मिला था, लगभग 383 करोड़ का हमें सेल्स देखने को मिला था। जो कि बात करें नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार तरीके से हमें देखने को मिला है दोस्तों। वहीं बात करें कि इस स्टॉक में यहाँ पर अगर रिजर्वेशन सरप्लस का, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ईयर बाई ईयर काफ़ी शानदार तरीके से हमें रिजर्व एंड सरप्लस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पर डेप्ट का, तो यहाँ पे कंपनी के पास अदर लायबिलिटी लगभग 155 करोड़ का है, जो कि हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे करेंट लायबिलिटी
लगभग 200 के अप्रोक्स में हमें देखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट का, यहाँ पे कंपनी के पास फिक्स एसेट भी काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखा रहा है ईयर बाय ईयर, आप लोग देख सकते हो। जो कि बात करें कि इस स्टॉक में एफ आई की होल्डिंग कितना है, डी आई की होल्डिंग कितना है, वो भी डेटा एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले बात करें प्रमोटर का, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 63% के अप्रोक्स में होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रमोटर का। जो कि बात करें एफ आई की होल्डिंग की, लगभग यहाँ पर 6.5% से एबव का हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। जो कि बात करें यहाँ पे डी आई की होल्डिंग की, तो लगभग 7.5% से एबव का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग लगभग 23% से एबव का हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में काफ़ी शानदार तरीके से जंप दिखाएगा दोस्तों। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक ऊपर ऊपर फोकस बना कर रख सकते हो। वहीं बात करें कि अगर हमें स्टॉक के प्राइस अगर थोड़ा सा हमें करेक्शन और देखने को मिलता है, तो स्टॉक हमें लगभग 1980 की तरफ हमें आते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर बात करें जंप का, तो स्टॉक एक बार अगर 2600 रुपये के क्रॉस करके आगे हमें जाते हुए देखने को मिलेगा, तो स्टॉक हमें लगभग 3100 रुपये की तरफ हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इस स्टॉक को फिर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक काफ़ी शानदार है और फ्यूचर में काफ़ी शानदार तरीके से मुनाफा देने का पूरा दमखम रखता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।